परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अरुणकिरणजालैरञ्जितासावकाशा विधृतजपवटीका पुस्तकाभीतिहस्ता इतरकरवराढ्या पुल्लकल्हारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणशीला। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित आचार्य श्री श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्री नीलेश जी, मयूरी जी, परिजन यहाँ पर उपस्थित, सुधी श्रोतावृंद, मातृशक्ति, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान जो नारायण से उनको मिला था वो नारद जी को प्रदान किया। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। तीन अध्यायों में सारा ज्ञान बता करके कहा कि ये ज्ञान मुझे भगवान से मिला था, इसीलिए ये भागवत है। संक्षेप में मैंने तुमको ये बता दिया, अब तुम इसका विस्तार करो। ये भी कह दिया साथ में कि एक बात का ध्यान रखो। ध्यान क्या रखना है? मूल मंतव्य जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, बातें तो आगे पीछे हो जाती हैं। मूल मंतव्य क्या है? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलागारे इति संकल्प्य वर्णय। जब आप श्रीमद् भागवत का वर्णन करने के लिए बैठे, मेरे द्वारा भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त और मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त कराया गया ये जो भागवत ज्ञान है इसको लोगों को बताने लगो, तो एक बात का ध्यान रखना कि ऐसे बताना जिससे सुनने वाले के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। माने श्रीमद् भागवत का मूल कथन यही है, मूल उद्देश्य यही है कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का जागरण हो जाए। यही एक आदेश है। और इसी आदेश को लेकर के मूल संकल्प को ध्यान में रख करके विस्तार करो। तो नारद जी ने गांठ में बांध लिया। बात तो ज्ञान तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। वो क्या है कि भगवान के सिवाय कुछ और नहीं है। ये जो कुछ नाना नाम रूपात्मक जगत तुमको दिखाई दे रहा है ये सब भगवान में ही दिखाई दे रहा है। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्, मैं ही था, मैं ही हूंगा, मैं ही हूं, मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। एकमात्र सत्ता परमात्मा, यही मूल ज्ञान। और इसी को भूलने के कारण लोग कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं।
ये मैं कर रहा हूं, और जब मैं कर रहा हूं तो भोगेगा कौन, तो फिर मैं भोग भी रहा हूं। जब हम कर्ता बनेंगे तो हमको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो हम कर्ता भोक्ता बन गए हैं जबकि कर्ता कोई और ही है। हमको तो केवल अपने आप को जान लेना है, सही स्वरूप को पहचान लेना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो वेदांत का ज्ञान है उसके बारे में कहा जाता है कि वेदांत के ज्ञान से किसी अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। माने ऐसी कोई चीज जो आपको प्राप्त ना हो उसको अगर ये ज्ञान प्राप्त करा दे, ऐसी बात नहीं। ये वेदांत का ज्ञान प्राप्त की प्राप्ति कराता है। जो पहले से ही आपको प्राप्त है, तो कहा पहले से जब प्राप्त है तो इनके इनका क्या वैशिष्ट्य है? कहा आपको प्राप्त तो है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमको ये, हमारे पास ये वस्तु है। कबीरदास जी ने कहा ना कि कबीरा या संसार में सबकी गुदड़ी लाल और गांठ खोल जाने नहीं ताते भैया कंगाल। सबकी गुदड़ी में लाल माने माणिक्य है, रत्न है, लेकिन गांठ खोल के नहीं जानते। इसी आश्रम की एक घटना है। एक हमारे आश्रम के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं, उनको एक बार स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम ये मोटरसाइकिल हमारी लो और ये सूची है, इस सूची को ले जा करके ये सामान गोटे गांव से ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोटरसाइकिल लिया, सूची को जेब में रखा, चले गए और जा करके गोटे गांव पहुंच गए। अब पहुंच करके 3-4 घंटा वहां पर दूसरे कई काम उनके भी रहे होंगे, अपना सब किए और फिर बस में बैठे और चले आए। शाम को जब बस में बैठ करके यहाँ आ गए तो स्वामी जी ने याद किया कि भाई वो आए नहीं अभी तक, पता चला आ गए हैं, बुलाया गया, क्यों भैया सामान ले आए? बोले ओ हो वो तो हम भूल ही गए। कहा अरे तुमको सूची दिया था तो जेब में हाथ डाला, हाँ हाँ है तो हमारे पास, हम तो सूची भूल ही गए। कहा वो तो ठीक है, मोटरसाइकिल कहाँ है? बोले वो भी भूल गए। हम तो अब ये सच्ची घटना है, ये काम करने के लिए हम आते हैं लेकिन हमारे पास क्या है भूल जाते हैं और भूल करके भटकते रहते हैं। तो ये जो भटकाव है ये अज्ञान का भटकाव है, अप्राप्ति का भटकाव नहीं। प्राप्ति तो सबको है, प्राप्ति है, इसका बोध हमको नहीं है कि हमारे पास वो चीज है और इसीलिए हम कंगाल। उदाहरण बताते ही हैं संत लोग कि किसान को घड़े में कीमती पत्थर मिल गए लेकिन वो उनका उपयोग पक्षियों को भगाने के लिए कर रहा था। उठा उठा के पक्षियों को भगाने के लिए फेंकता था और पत्थर बगल की नदी में गिर जाते, एक बचा था। हाथ में लेकर के घर में लौट रहा था, खेलते हुए हाथ में किसी जौहरी की नजर पड़ी। उसने कहा किसान ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा पत्थर है, हमारे खेत में जुताई के समय मिले थे। क्यों? कहा जरा दिखाओ। पास में लेकर के देखा तो बहुमूल्य माणिक्य। कहा ये तो बहुत कीमती पत्थर है। तब उस किसान को बोध हुआ कि जिनको मैं उठा उठा के पक्षियों को भगाने के लिए फेंक रहा था वो तो बहुत बड़ा खजाना था, हाय मैंने वो खजाना खो दिया। तो ऐसे ही हमें भगवान ने दिया है लेकिन हमको बोध नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि बंजारा के बैलवा घूमत देश विदेश और खांड लदी भूसा खात है बिन गुरु के उपदेश। जो बंजारे का बैल है, बंजारा माने वो घुमंतु जाति, जो लोग घर नहीं बनाते हैं वो घूमते ही रहते हैं। कहते हैं चित्तौड़ में 700 साल पहले लड़ाई हुई थी तो वहाँ के कुछ क्षत्रियों ने वहाँ से पलायन कर दिया था और ये संकल्प लिया था कि जब जीत जाएंगे तभी वापस आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं, और तब तक घर भी दूसरी जगह नहीं बनाएंगे। तो वो अभी घूम रहे हैं, वो कहीं घर नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उस प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण कहीं घर बनाते नहीं हैं
और घूमते घूमते अपना जीवन चला रहे हैं, वो बंजारे, वो बंजारे घूम रहे हैं। बंजारे घूमते समय व्यापार करते हैं ताकि अपनी जीविका चला सकें, तो जो बैल है उसके ऊपर मिश्री का बोरा लाद दिया है। अब बैल के ऊपर मिश्री का बोरा लदा है, लेकिन खाने समय वो भूसा खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरी पीठ पर क्या लदा है। उसके लिए तो पत्थर और मिश्री जो पीठ पर लदा है वो केवल भार है। तो ऐसे ही हम, हमारे पास क्या है हम जानते ही नहीं। इसीलिए वेदांत का जो ज्ञान है वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराता, वो तो प्राप्त की ही प्राप्ति करा देता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये नाना रूप नाना नाम वाला जो संसार है ये मिथ्या है। कोई नाम कभी टिकता नहीं है, थोड़े दिन में होता है, थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। कोई रूप टिकता नहीं है, थोड़े दिन में रहता है फिर खत्म हो जाता है। फिर केवल फोटो में हम देख पाते हैं, वो फोटो भी कितने दिन तक रहता है, आखिर वो भी समाप्त हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं पत्थर में हम खोद देंगे, वो पत्थर भी खत्म हो जाता है। कितना भी टिकाए रखने का प्रयास करो नाम रूप को, कोई नाम रूप टिकता नहीं है, इसलिए वो असत्य है। और जो टिका हुआ है, जिसमें ये सब चीजें टिकी हुई हैं, कोई तो आधार है ही है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, वही सत्य है, उसी को ब्रह्म नाम से कहा जा रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही ज्ञान है। इसी को वासुदेव सर्वम कहो, इसी को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहो। अनेक वाक्यों के द्वारा इसी ज्ञान को बताया जाता है, ये सहज ज्ञान है, लेकिन इसी को हम भूले हुए हैं। और उसी को, उसी के लिए वक्ता तरह तरह से बता रहे हैं। तो भागवत क्या है? बस इतना ही ज्ञान कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है। जहां देखती हूं उधर, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मुझमें तुझमें खटक खंभ में, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से बात एक ही कही है। बात में अंतर नहीं है, शब्दावली में अंतर हो सकता है, छंद में अंतर हो सकता है, बोलने की शैली में अंतर हो सकता है, लेकिन बात में कोई अंतर किसी के नहीं है। बात सब वही कह रहे हैं जो भगवान का अपना उपदेश है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् अन्यत् न। भागवत जहां जहां हो रही है उसमें मूल बात का ध्यान अगर रखा जाए कि ऐसा निरूपण हमको करना है जिसमें श्रोताओं के मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए, अगर इस बात का ध्यान रख करके वक्ता बोल रहा है तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन हो रहा है। इसलिए वो कथा भागवत की ही कथा मानी जाएगी, चाहे उसमें शब्दावली कैसी भी प्रयोग में की जा रही हो। ये लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए स्वर संगीत और शैली का आश्रय लिया जाता है, लोगों को बात बुद्धिगम्य बनाने के लिए उदाहरण प्रत्युदाहरण और उद्धरण दिए जाते हैं, समझाने के लिए कोशिश की जाती है। बात जहां की तहां रहती है वही श्रीमद् भागवत, ज्ञान वही है और भगवान से आया है, इसीलिए इसका नाम है भागवत। भगवत है इदम भागवत, ये ब्रह्मा जी से नहीं आया, ये नारद जी से भी नहीं आया, ये सुखदेव और व्यास जी से भी नहीं आया। अगर ब्रह्मा जी से आता तो इसका नाम होता ब्राह्म, ब्राह्म महापुराण। अगर ये व्यास जी से होता तो वैयासिक्य होता, अगर ये शुक से होता तो शौक होता, शौक महापुराण। लेकिन सब ने कहा, लेकिन इसका नाम भागवत ही रहा। इसका मतलब ये ज्ञान तो भगवान का ही है, किसी और का नहीं है। तो जो गुरु हैं वो भगवान है। भगवान जो नारायण हैं, उन्होंने किसी से ये ज्ञान सीखा नहीं, उनके हृदय की ये अपनी उत्पत्ति, और उनके द्वारा
ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में इसका उपदेश किया गया। जैसा कि हमने बताया, तीन अध्यायों में ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसको कहा, तो त्रिअध्यायी हो गया। धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले अंकुर है, पहले बीज है, फिर बीज से अंकुर है, अंकुर से फिर तना है, तने से फिर शाखाएं हैं, शाखाओं से फिर प्रशाखाएं हैं, फिर फल है, फिर फूल है, फिर जाने क्या क्या है, फिर तो पूरा बगीचा ही है। तो वही ज्ञान जो बिना किसी शब्द का हृदय में भगवान के विद्यमान था, क्रमशः विस्तार पाता चला गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश भी किया कि इसका विस्तार करो, तो बढ़ाने लगे लोग। कौन कौन बढ़ा रहा है, अब देखिए श्रीमद् भागवत में जो भागवत ज्ञान है, उस भागवत ज्ञान को बढ़ा कौन रहे हैं? जो मूल श्लोक गुरु परंपरा का हम लोगों ने पढ़ा था आरंभ में, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगेन्द्र मथाश्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंतोटकं वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरुं संततम् आनतोऽस्मि। ये मूल श्लोक पढ़ा था, जिसमें परंपरा ऐसे चल रही थी कि भगवान नारायण, नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ जगतगुरु सूची में दिखाई दे रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है श्रीमद् भागवत में, यहाँ परंपरा कुछ भिन्न हो जा रही है। यहाँ पर भगवान नारायण तो ठीक है, नारायण समारंभा परंपरा हो गई, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ की जगह नारद जी का नाम आ रहा, ये क्यों हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए देखना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवत में कौन कौन से गुरुओं ने उपदेश किए हैं। तो आप देखिए, नारद जी को जब उपदेश मिला तो नारद जी ने इसका विस्तार करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको आदेश था कि त्वमेतद् विपुली कुरु, बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को उपदेश देना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक ज्ञान का उपदेश नारद जी ही करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है विपुली कुरु। उन्होंने ध्रुव को उपदेश दिया, जब माता पिता की आज्ञा पा करके ध्रुव तपस्या करने के लिए चले तो 5 वर्ष की उनकी अवस्था थी। 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए जा रहा है, अभी उसको क्या पता है, अभी तो उसने ककहरा भी नहीं पढ़ा है और बहुत सुना भी नहीं है, कि चलो पढ़ा नहीं है लेकिन सुन करके जान गया। अभी तो छोटा बालक है, अभी वो तपस्या करने के लिए जा रहा है। अगर आराधना विधि विधान के साथ की जाए तो सद्य फलवती हो जाती है, और अगर विधि विधान का पालन न किया जाए, बिना गुरु के ही शुरू हो जाया जाए, तो फिर सफलता नहीं मिलती। अरे भाई, हवन करने के पहले कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है, बिना अग्नि प्रज्वलित किए साकल लेकर के स्वाहा स्वाहा करके अगर आहुति देने लगोगे आप, तो उस आहुति का कोई मतलब होगा? तो इसलिए पहले ज्ञानाग्नि को प्रकट करना पड़ता है, और वो गुरु के फूंक से होता है, हमने बता दिया। तो गुरु की जरूरत होती है, और गुरु कहते हैं बड़े कृपालु होते हैं, और कृपालु गुरु का उदाहरण देखिए। ध्रुव तो चल पड़े, पिता ने अनादर कर दिया, माता ने ताना मार दिया, जो स्वयं की माता थी उसके पास रोते हुए गए, उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं, बुरा लगता है तो क्या है, बात तो सही है, जो कह रही है कि भगवान की भक्ति करके जो पद पाना हो पाओ, इसमें गलत क्या है। तुम्हारी भी माता ने थोड़ा कड़क शब्दों में जरूर कह दिया है, लेकिन बात तुम्हारे हित की ही कही है, देने वाला कोई दूसरा नहीं है केवल परमात्मा, मांगना है तो उसी से मांगो। कहने वाले ने कहा है कि जो भी देगा वही खुदा देगा, आदमी आदमी को क्या देगा। कहते हैं एक महात्मा जी एक बार बादशाह के पास गए कि जा करके कुछ उनसे संसाधन मांग लेते हैं, और किसी से क्या मांगे,
बादशाह से मांगेंगे। तो बेचारे बादशाह के यहाँ तक पहुँच गए। अब बादशाह था मुसलमान, वो नमाज पढ़ रहा था, तो उनके सहयोगियों ने रोक दिया कि महात्मा जी रुक जाइए, पहले उनकी नमाज पूरी हो जाने दी। तो बैठ गए, देख रहे थे नमाज पढ़ी जा रही है बादशाह के द्वारा। नमाज पढ़ के बादशाह ने हाथ ऐसे किए और ऐसे होठों से कुछ बुदबुदाने लगा। तो महात्मा जी ने पूछा सहयोगियों से कि ये क्या, अभी तक तो सिर झुका रहे थे, इसको तो हम समझ रहे हैं कि भगवान के प्रति आदर भाव प्रकट कर रहे थे, लेकिन ये हाथ ऐसे करके ये क्या बुदबुदा रहे हैं। कहा दुआ मांग रहे हैं साहब। कहा काहे की दुआ। कहा जो उनके मन में होगा वो मांग रहे होंगे। कहा ये भी बादशाह भी मांगता है। कहा तो बिना मांगे मिल गया, ये तो भगवान जो उनके हैं वही देते हैं। तो महात्मा जी उठे और चल पड़े। कहा क्यों महात्मा जी, आप तो मांगने के लिए आए थे, अब तो आने वाले हैं बादशाह हुजूर। कहा कि अब आने दो, अब हमको इनसे मांगना नहीं है। कहा क्यों, इनसे क्यों नहीं मांगना। कहा ये तो खुद मांग रहे हैं किसी से, तो जो इनको देता है अब हम उसी से मांग लेंगे, अब इनसे हम क्या मांगे, इनको भी जो देने वाला है अब उसी से मांगेंगे। वापस चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सुनीति ने कहा कि बेटा बात सही है, मांगना है तो भगवान से मांगो, अब निकल पड़े। उनको तो ध्यान नहीं था कि गुरु करना चाहिए, और ऐसी घटना घटी, किसी को ध्यान नहीं आया, माता को भी ध्यान नहीं आया कि इसको दीक्षा करवा दें, विधि विधान समझा दें। तो इसीलिए कहते हैं ना कि तुम क्या गुरु खोजोगे, गुरु खुद तुमको खोज रहे हैं। तुम केवल अपने अंदर योग्यता तो ले आओ, वो तलब तो ले आओ, गुरु तुमको खुद खोज करके तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि वो परम कृपालु है। शिष्य के अंदर क्या क्षमता है कि वो गुरु खोजे, गुरु के अंदर क्षमता है कि वो शिष्य को खोज सके। इसलिए ये जिम्मेदारी गुरु की ही, और गुरु इसको निभाते हैं। नारद जी ने निभाया, ध्रुव के सामने पहुंच गए। अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा तनाव है, क्या बात। कहा महाराज हट जाइए, मैं जंगल में जा रहा हूँ, काहे के लिए तपस्या करूंगा, क्या पाओगे, राजपद पाना, सिंहासन पर पिता की गोद में बैठना। कहा विधि विधान कुछ जानते हो। कहा हा हा वो तो नहीं जानता। कहा तो फिर हम उसे ही बताने के लिए आए। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया नारद जी ने, और कैसे कैसे प्राणायाम करना है, कैसे भगवान का ध्यान करना है, नियमों का पालन कैसे करना है, ये सब विधि भी नारद जी ने ध्रुव को बताई। उसी विधि का पालन करके 6 महीने में ही ध्रुव ने भगवान को सामने खड़ा कर लिया। ये नारद जी का गुरुत्व है, उनकी कृपालुता है। तो ध्रुव को उन्होंने उपदेश किया, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, चित्र केतु नाम के गंधर्व को उपदेश किया, प्रहलाद जी को आप जानते ही हैं, जब गर्भ में तब कयाधु माता को उन्होंने उपदेश कर दिया था, और युधिष्ठिर को उपदेश किया, वसुदेव को भी उपदेश करने के लिए नारद जी पहुंचे, और व्यास जी को सम्यप्रास नदी के किनारे जो उनका आश्रम था, उस आश्रम में जा करके व्यास जी को भी जब उनका मन प्रसन्न नहीं हो रहा था तो उपदेश किया कि अभी तुमने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, ज्ञान ध्यान दिखाने से कुछ नहीं होगा, भगवान की महिमा का वर्णन करो, आपके मन में सुख और शांति का संचार हो जाएगा। ये नारद, तो नारद जी ने अनेकों को श्रीमद् भागवत में दिखाई देता है कि उपदेश किया। इसलिए ये जो परंपरा है इसको नारद जी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वैसे और भी उपदेष्टा हैं, कपिल ने ज्ञान का उपदेश किया अपनी माता देवहूति को, हंस नाम से भगवान ने अवतार लेकर के सनकादि को उपदेश किया, सनकादि ने राजा पृथु को धर्म का ज्ञान दिया, भगवान रुद्र प्रचेताओं को उपदेश देने के लिए पधारे और उनको विरक्त बनाया। इसी तरह से पुरंजनोपाख्यान में हम लोग देखते हैं कि अभिज्ञात नाम का जो पुरंजन का सखा था
उस अभिज्ञात ने पुरंजन को उपदेश किया, ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, जड़ भरत ने रघुगण को उपदेश किया, विष्णु दूतों ने अजामिल के उपाख्यान के प्रसंग में यमदूतों को उपदेश किया धर्म का कि आप लोग पीछे हट जाइए, इसने नारायण का उच्चारण किया और फिर वहां पर उपदेश हुआ। इसी तरह से विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र थे उन्होंने इंद्र को उपदेश किया है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को ज्ञान का उपदेश किया है, अंतिम समय में उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश किया है और सुखदेव जी ने परीक्षित को तो किया ही है। अंतिम उपदेश श्रीमद् भागवत में वही है, जब वो पूछते हैं कि अब तक्षक नाक के काटने से डर तुमको लग रहा है, क्योंकि पहले दिन बहुत डरे हुए थे परीक्षित, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। भगवान बताइए, म्रियमाणस्य, जो म्रियमाण पुरुष है, मरने की ओर जो बढ़ रहा है, उसको क्या करना चाहिए? तो मरने से जो डर पहले दिन था, अंतिम दिन सुखदेव जी पूछते हैं, क्यों अब डर रहे हो? कहा, ना भगवंस तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य, अब तो तक्षक नाग से और तक्षक नाग का भी कोई और कोई उससे भी ऊंचा विषधर हो आकर के हमको काट ले, अब हमको इस बात का डर नहीं है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैं तो ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया, ब्रह्मत्वम दर्शितम त्वया, आपने हमको ब्रह्मत्व का दर्शन करा दिया, हमको ये बात बता दी कि मृत्यु तो शरीर की होती है और मैं शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर रहे ना रहे अब इस बात का मुझे कोई भय नहीं, इसीलिए मेरा मरण अब मेरे लिए मंगल हो गया। काशी में काश्याम मरणान मुक्ति मरणम मंगलम यत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ज्ञान की भूमि है। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघानी कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। काशी में मरण इसीलिए मंगल हो जाता है क्योंकि वहां मरने के पहले ही तारक मंत्र का उपदेश भगवान शिव कान में कर देते हैं, जिससे जीवात्मा परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है, फिर काहे का डर, मामला ही पूरा हो जाता है। तो अब डर उनके हृदय से निकल गया, तो अंतिम उपदेश सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को किया गया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में इतने सारे ज्ञान के उपदेष्टा हमको दिखाई दे रहे हैं मुख्य मुख्य, लेकिन इतने उपदेष्टाओं में भी सर्वाधिक जो ज्ञान का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं वो नारद जी दिखाई दे रहे हैं। तो भैया यहाँ तो परंपरा आपकी खंडित हो रही है, नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ को होना चाहिए, यहाँ वशिष्ठ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, नारद जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आगे चल करके नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरम च व्यासम, व्यास वहां दिखाई दे रहे हैं उस परंपरा में, और इसमें भी आगे चल करके व्यास और सुखदेव दिखाई दे रहे हैं। तो परंपरा ऊपर तो ठीक लग रही है और नीचे भी ठीक लग रही है, ये बीच में ये क्या अंतर हो रहा है जिसके कारण व्यत्यय हो रहा है? ये जब विचार करेंगे आप तो आपको विचार करते हुए पता चल जाएगा कि ये परंपरा दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये जो गंगा आदि नदियां हैं इनमें कभी कभी प्रवाह होते होते दो धारा हो जाती है और दो धारा होकर के बीच में द्वीप बन जाता है और फिर बाद में दोनों धाराएं एक हो जाती हैं। गंगा जी में कई जगह पर ऐसे द्वीप बने हुए हैं, दोआबा कहीं कहीं इसको दुआबा कहते हैं, बलिया में और पटना में और कई स्थानों पर दुआबा देखने को मिलते हैं। तो ये जो द्वीप बन जाता है तो द्वीप की शुरुआत में धारा दो हो जाती है और द्वीप के अंत में धारा दोनों एक हो जाती है। तो ऐसे कहीं कहीं धारा अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन धारा के अलग हो जाने मात्र से ये धारा गंगा है और ये धारा गंगा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये जो ज्ञान की परंपरा श्रीमद् भागवत में दिखाई दे रही है ये ज्ञान परंपरा भी वही ज्ञान परंपरा है जिस परंपरा का स्मरण हम लोग
गुरु परंपरा के श्लोक में करते हैं। इसीलिए व्यास जी द्वीप के ऊपर हुए हैं, इसीलिए उनका नाम है द्वैपायन, द्वीप के ऊपर हुए हैं, क्योंकि उनको दायित्व है कि जो दो धाराएं हो रही हैं उनको मिलाना है और मिला करके फिर से एक कर देना है। तो वो दो धारा क्यों हो गई, भागवत जी में वशिष्ठ जी को क्यों नहीं सामने रखा गया, नारद जी क्यों आकर के सामने दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है, ये ज्ञान वैराग्य प्रधान ग्रंथ नहीं है। ज्ञान वैराग्य इसमें सहयोगी है, इसमें श्रीमद् भागवत में प्राधान्य भक्ति का है, इसलिए भक्ति संप्रदाय का जो आचार्य है वो यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्ञान संप्रदाय का जो आचार्य है वो थोड़ा पीछे हो गया। ब्रह्मा जी भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, लेकिन वो पीछे हो गए हैं, यहाँ पर भक्ति संप्रदाय आगे दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए ब्रह्मा जी ने आदेश क्या दिया था नारद जी को, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलागारे इति संकल्प्य वर्णय, तुम इसका वर्णन करना, इस बात का ध्यान रखना कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत है। तो इसका मतलब है कि भक्ति का प्रामुख्य ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट हो गया। और इधर क्या होता है, महात्म्य खंड में आप देखते हैं श्रीमद् भागवत के कि भक्ति ही मुख्य दिखाई दे रही है। नारद जी चले जा रहे हैं, एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक उपागतः। नारद जी तो पर्यटक हैं, निरंतर चलते रहते हैं, वो चले जा रहे हैं तब तक उनको कोई आवाज दे के बुला रहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपिनाशय, हे साधु थोड़ा क्षणम तिष्ठ थोड़ा रुको, मेरे मन की जो चिंता है उसका भी तो नाश करो, दुनिया की चिंता नष्ट कर देते हो, मत चिंताम अपि नाशय, मेरे मन की चिंता को भी नाश करो। तो नारद जी ने पलट के देखा कौन बुला रहा, देखा तो एक तरुणी विद्यमान है। कहा बहन तुम कौन, कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति, इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं बूढ़े से, ये बूढ़े नहीं है ये मेरे बेटे हैं, लेकिन काल के योग से ऐसा समय इनके जीवन में आ गया कि ये बेचारे जर्जर हो गए हैं। और मैं तो दक्षिण देश में जन्मी, बाद में केरल कर्नाटक होते हुए गुजरात गई, और गुजरात में जाकर के मैं तरोताजा हो गया, गुजरात में भक्ति, भगवान मथुरा में जन्मते जरूर हैं लेकिन अंत में पहुंचते कहाँ हैं ये तो जान लो, मथुरा में जन्मते हैं तो मथुरा में देश निकाला हो जाता है, अभी अभी जन्मे हैं भगवान और अभी अभी उनके स्वयं के पिता सूपा में रख करके दूसरे गांव में पहुंचा के चले आते हैं। बताइए ऐसी जगह में कोई रहना चाहेगा जहां उसकी ये हालत की जाती हो, हाँ बाप खुद जो है देश निकाला कर दे रहा है, और बाप क्या बाद में भी कुछ कृपा नहीं हुई है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा आ गए, मथुरा के लोगों को सुखी किया, कंस को मारा, बहुत बड़ा खतरा उठाया, कंस उनको मार सकता था, कंस को मार करके लोगों को सुखी बना दिया, उग्रसेन को राजा बना दिया, उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण को वहां के लोगों ने देश निकाला कर दिया। जब बार बार काल यवन जरासंध आक्रमण करते थे मथुरा के ऊपर तो उनसे लड़ाई होती थी, यद्यपि ये हार जाते थे और भाग जाते, 17 बार आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण में लड़ाइयां हुई होंगी, लड़ाइयां होने पर केजुअल्टी माने सेना की क्षति होती है, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। तो मथुरा में मीटिंग हुई कि ये कृष्ण के कारण आक्रमण होता है, जरासंध तो हमारा संबंधी है,
उसका हमसे क्या द्वेष है? ये कृष्ण से उसका द्वेष है। जब तक कृष्ण रहेंगे मथुरा में तब तक आक्रमण होते रहेंगे, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना की जाए कि कृष्ण मथुरा छोड़ दें। ये बैठक हुई है और उसी के बाद श्री कृष्ण ने कहा ठीक है आप लोग सुख से रहो, हमारा क्या है, हम तो कहीं रह लेंगे, क्योंकि जिसका एक जगह पर घर हो, एक जगह पे प्लाट हो, उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो। जिसके सारे प्लाट अपने हैं, जिसके सारे घर अपने हैं, उसको क्या तुम घर निकाला और क्या देश निकाला दोगे? वो तो जहां जाएगा वही उसका घर है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहीं रह लेंगे। तो मथुरा छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, नगरी बसाई, दूसरे की नगरी में नहीं गए, क्योंकि दूसरे की नगरी में जाते तो वहां भी यही रहता, इसलिए अपने खुद की नगरी बसाई और खुद को राजा घोषित किया। स्वे नैव राजते इति स्वराट, इसलिए उनको स्वराट कहा गया। उनको कोई राजा नहीं बनाता, वो खुद राजा बनते हैं। तो अपने तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का। गोत्र बता करके सम्मान तेजस्वी नहीं पाता, वो दूसरे लोग हैं और तेजस्विता की ही पूजा होती है। हम अमुक खानदान के हैं इससे शुरुआत में पूजा हो सकती है, पहला स्वागत हमारा, हम अमुक जगह से, हम शंकराचार्य जी किसी से आए हैं, ऐसा कह करके जब हम कहीं जाएंगे तो पहले दिन का जो हमारा स्वागत है वो हमारे गुरु जी के नाम पे होगा। लेकिन उसी दिन के बाद जिसके घर में हम रुकेंगे वो हमारे लक्षण देखने लगेगा, और एक दिन बीतते ही, रात बीतते ही उसको पता चल जाएगा कि ये कैसा व्यक्ति है, और दूसरे दिन से हमारे लक्षण के अनुसार हमारे साथ व्यवहार शुरू हो जाएगा। अगर हम अच्छे रहे तो अच्छा व्यवहार होगा, और नहीं तो दूसरे दिन नमस्ते हो जाएगी कि महाराज निकल लो, नहीं तो फिर सबके सामने हमको आपकी समीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शुरुआत में खानदान का नाम हमको काम में आता है, लेकिन आगे लंबे समय तक उससे कोई बचाव नहीं होता। व्यक्ति को अपने चरित्रों के आधार पर ही प्रशंसा या आलोचना मिलती है, इसलिए उसी पर भरोसा करिए, उसी का संग्रह करिए, उसी को ऊंचा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि अंततः वही वस्तु काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आएगी। वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम नमानवाः। ये संसार कृष्ण के बाप थे वसुदेव, इसलिए वसुदेव का मंदिर बनाओ, कोई नहीं बना रहा, सब वासुदेव का मंदिर बना रहे हैं, वसुदेव का मंदिर कौन बना रहा है? तो इसलिए हम अमुक के बाप हैं, हम अमुक के बेटे हैं, उतने मात्र से कुछ नहीं होगा, होगा जो कुछ वो आपके किए दरे पर होगा, इसलिए स्वयं में वो क्षमता अर्जित करिए। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति ने नारद जी को बुलाया और अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, गुजरात में जाकर के वो पुष्ट हुई, कुचिन कुचिन महाराष्ट्र। और फिर उसके मन का जो शोक था, उस शोक को नारद जी ने दूर करने के लिए सांत्वना के वाक्य बोले, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। उन्होंने तुरंत दवा बता दी, क्या देखो तुम्हारे दुख को दूर करने का एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर, उनका स्मरण कर, इसी से तेरा दुख दूर होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, आगे बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दुखों को दूर करना है तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान, उनकी शरण, चरण की शरण, यही एकमात्र रास्ता है। और हो भी गया, नारद जी के प्रयास से भक्ति को भागवत जी, भागवत का ज्ञान मिला, और भक्ति तो स्वयं तरुणी हो ही गई, ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो गए। तो ज्ञान वैराग्य यहाँ सहायक की भूमिका में है, भागवत में यहाँ भक्ति का प्रामुख्य है,
इसलिए भक्ति के जो आचार्य हैं नारद जी, उनको परंपरा में यहां दर्शाया गया है। इतनी बात। कलयुग में केवल भक्ति, कलौ तो केवला भक्ति, कलयुग में ज्ञान वैराग्य सहायक की ही भूमिका में स्वीकार्य हो सकते हैं, मुख्य भूमिका इनकी नहीं बन सकती। क्यों? युग का प्रभाव, अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों की रुचि हो जाती है। तो ये भक्ति काल, इसलिए इसमें एक से एक भक्त हो रहे हैं और भक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इसी में तुलसीदास हो रहे हैं, इसी में सूरदास हो रहे हैं, इसी में दक्षिण भारत के परंपरा भक्तों की बहुत लंबी हो गई, भक्तमाल रचा गया है। ये सब भक्ति काल के कारण हो रहा है। ये भक्ति का काल है इस, क्यों? क्योंकि भगवान ने भक्ति को आदेश दिया है। कथा आती है पुराण में कि भगवान के पास भक्ति गई, कहा महाराज बहुत दिन हो गए कुछ काम धाम नहीं किया हमने, हमको लगता है कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा नहीं, आप आदर सम्मान तो हमको बहुत दे रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं बता रहे। तो जब तक काम ना बताया जाए, सेवा ना बताई जाए, तब तक संतोष नहीं होता। पंजाब नेशनल बैंक में जो मुख्य प्रबंधक था वो शाखा के प्रबंधक से नाराज हो गए, तो उसने सस्पेंड नहीं किया। सामान्य रूप से लोग यही करते हैं कि नीचे के कर्मचारी से नाराज होते हैं अधिकारी से तो सस्पेंड कर देते हैं। उसने सस्पेंड नहीं किया, उसने कहा कि आपका, आपके केबिन में आप आइए बैठिए, काम सारे दूसरे उसके नीचे वालों को ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो मैनेजर साहब रोज़ सवेरे जाते थे 10 बजे, अपने केबिन में जाके एयर कंडीशन में बैठते थे, लेकिन काम कुछ, कोई फाइल आती ही नहीं थी उनके पास। पूरे दिन बैठ करके इधर उधर देखते रहते थे। तो 5-6 दिन गए, उसके बाद इस्तीफा लिखना पड़ गया। ना निलंबित किया ना तो निकाला, केवल काम बताना छोड़ दिया। और काम बताना छोड़ देने का परिणाम ये हुआ कि अपने आप व्यक्ति ने विदाई ले ली। तो काम ना बताया जाए तो आदमी को लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। तो भक्ति ने कहा महाराज कुछ बताया नहीं आपने। कहा ठीक है, मद भक्तान पोषयेति च, जाओ तुम्हारा काम हम लगा दे रहे हैं ड्यूटी कि जो मेरे भक्त हैं उनका पोषण करो, उनका, उनके खाने पीने सब रहने का इंतजाम करो। इसीलिए जो भगवान के भक्त निकल पड़ते हैं घर छोड़ करके, उनको खाने पीने का इंतजाम कोई दूसरा नहीं करता, ये भक्ति करती है। भगवान की भक्ति इस बात के लिए नियुक्त है कि मेरे भक्त भूखे ना रह जाएं, इस बात का चिंतन तुम करना। और कहा संसाधन कुछ दे दीजिए, कहा संसाधन ले लो, मुक्ति को दासी के रूप में भेज दिया और ज्ञान वैराग्य को सहयोगी के रूप में कह दिया कि ये ज्ञान वैराग्य हैं, ये तुम्हारा सहयोग करेंगे और मुक्ति तुम्हारी दासी होगी, जिसको चाहो तुम इससे उसकी सेवा करवा देना, जिसको चाहो मुक्ति दे देना। तो भक्ति भगवान के आदेश का पालन करते हुए भ्रमण कर रही है, उसका दायित्व है कि भक्तों के पोषण में कोई कमी ना रह जाए। अब भक्त ही हम ना बने तो बात अलग है, अन्यथा गारंटी है इस बात की कि आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान आपका पोषण करने के लिए पहले से भक्ति को नियुक्त किए हुए हैं। मत भक्तान पोषयति च, तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति ग्रंथ है, ये ज्ञान ग्रंथ नहीं है। ज्ञान ग्रंथ वशिष्ठ जी का योग वासिष्ठ है, उसमें ज्ञान की बातें लिखी हैं, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा सत्वापत्ति, ये ज्ञान की भूमिकाएं वहां बताई गई हैं। यहाँ ज्ञान की वैसी भूमिका नहीं बताई जा रही। यहाँ तो भगवान वर्णाश्रम धर्म को भी पीछे छोड़ करके भागवत धर्म का उपदेश करने लगते हैं। जब आप एकादश स्कंद द्वादश स्कंद में जाएंगे, धर्मों का निरूपण है, तो भगवान स्वयं भागवत धर्म का उद्धव जी को निरूपण करके बताते हैं। का भागवत धर्म क्या है? का बस मेरा नाम गाओ, मेरी पूजा करो, मेरे नाम के उत्सव मनाओ, लोगों को बुलाओ, मेरे नाम का संकीर्तन करते हुए नाचो गाओ, तन्मय हो जाओ, बस यही भागवत धर्म है। इतना सरल करके भगवान ने बता दिया कि क्या कहें। असल में आज जो धर्म चल रहा है वो भागवत धर्म ही इस समय बचा हुआ है,
जिसके कारण सनातन धर्म टिका है शास्त्रीय रूप में। वर्णाश्रम तो शिथिल हो रहा है, दूसरे धर्म भी, स्त्री धर्म पुरुष धर्म सब शिथिल हो रहे हैं, मानव धर्म भी शिथिल हो रहा है। इस समय अगर कोई धर्म बचा है तो भागवत धर्म ही बचा है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्रीमद् भागवत में कहा। और सच बात ये, आप देखिए कि अपने देश में धर्म को जानने का अब जरिया ही नहीं रहा। जो मुसलमान हैं वो मदरसे में अपने धर्म का ग्रंथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ईसाई हैं वो अपने स्कूलों में अपने धर्म का अध्ययन अपने बच्चों को करा ले रहे हैं, लेकिन जो हिंदू हैं हिंदुओं का कोई स्कूल ही नहीं है, सरकारी स्कूल बचे हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हो गई है वहाँ पर हिंदुओं के बच्चों को, जिनकी संख्या करोड़ों में है, हिंदू धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। और ऐसे समय में एक ही पाठशाला है और वो है श्रीमद् भागवत की पाठशाला जो इस समय यहाँ लगी हुई है। इस समय आप लोग छात्र हैं, हम लोग अध्यापक हैं और इस स्कूल के प्रधानाचार्य पूज्यपाल स्वामी जी महाराज आकर के विराजमान हो गए हैं। यहीं पूरे देश में सनातन धर्म की शिक्षा अब केवल भागवत के मंच से लोगों को मिल पा रही है, थोड़ा बहुत जो मिल पा रही है, अन्यथा तो धर्म की शिक्षा बच्चों को मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए भक्ति के आचार्य नारद का इसमें प्रामुख्य है। बाकी गुरु परंपरा भी समय अनुसार आपको बताएंगे, यहीं पर अपनी वाणी को आज विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।